हेलो स्टूडेंट इस वीडियो में हम कक्षा पाँचवीं विषय हिंदी का आओ खेले ये पाठ आज हम देखने वाले हैं तो देखो इस पाठ में हमें चार अलग अलग खेलों के चित्र दिए गए हैं इन खेलों के बारे में मैं आपको आज जानकारी देने वाली हूँ तो देखो ये जो पाठ है इन इसमें हमें चार खेलों के चित्र दिए गए देखो एक दो तीन और चार ये जो चार खेल है उनके अलग अलग क्या दिए उन्होंने हमें खेलों के चित्र दिए हैं तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं ये जो पहला जो खेल है उसके बारे उसके बारे में मैं आपको आज बताती हूँ तो देखो ये जो खेल है इसका नाम क्या है लगोरी इसे लगोरी कहते हैं लगोरी महाराष्ट्र के गांवों का प्रिय खेल है ये जो लगोरी जो है वो महाराष्ट्र के गांव-गांव का प्रिय खेल है यह के यह खेल किसी खुली जगह में दो दलों के बीच खेला जाता है ये जो खेल है ये खेल किसी खिल खुली जगह में दो दलों के बीच खेला जाता है इसमें टाइल्स या ईट के सात टुकड़े एक के ऊपर एक रखे जाते हैं देखो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना इसमें टाइल्स या ईट के सात टुकड़े कितने टुकड़े हैं वो सात टुकड़े एक के एक एक के ऊपर एक रखे जाते हैं दोनों दलों के खिलाड़ी बारी बारी से गेंद से टाइल्स या ईट ईट के टुकड़े गिराते हैं देखो जो दोनों जो दल है वो दल के बच्चे क्या करते हैं बारी बारी से गेंद से जो गेंद है ना उससे क्या करते हैं ईट के टुकड़े या स्टाइल के जो टुकड़े होते हैं वो क्या करते हैं गिराते हैं टुकड़े गिरने पर उस दल के बच्चे भागते हैं और दूसरे दल के बच्चे उसी गेंद से उनको मारकर आउट करने की कोशिश करते हैं इस बीच पहले दल के बच्चे सात टुकड़ों को फिर एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं जब देखो जो जब गेंद मारते हैं तो वो क्या होते हैं टुकड़े गिरते हैं और फिर उस गिरने गिरने पर क्या होता है जो और जो जिसने गेंद मारी उस दल के जो बच्चे वो हो क्या होते हैं भागते हैं और फिर भागने के बाद जो दूसरी दल के बच्चे क्या करते हैं जो गेंद होती है गेंद से उनको क्या करते हैं मार कर आउट करते हैं और फिर इसी बीच क्या करते हैं पहले दल के बच्चे सात टुकड़ों को फिर एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं इस तरह से ये जो लगोरी खेल है ये क्या किया जाता है गाँव गाँव में बच्चे खेलते हैं उसके बाद देखो दूसरा जो खेल है वो क्या है गुल्ली डंडा इसे कहते हैं यह गाँवों और शहरों का लोकप्रिय खेल है इस खेल में गड्ढे के दोनों किनारों पर लकड़ी की नोकदार गुल्ली रखी जाती है जिदे खो ये है ये उसे वो क्या करते हैं? गड्ढे के दोनों किनारों पर वो जो लकड़ी होती है नोकदार उसे वो रखी जाती है इसे डंडे से उछाल कर फेंका जाता है ये देखो ये लड़का जो कर रहा है ना उसी तरह उसे क्या किया जाता है डंडे से उछाल कर फेंका जाता है आसपास खड़े खिलाड़ी गुल्ली को लपकने की ताक में रहते हैं और जो जो आसपास के जो बच्चे हैं ना खिलाड़ी वो क्या कहते हैं उसे पकड़ने की ताक में रहते हैं गुल्ली लपक लेने पर उछाल उछाल उछालने वाला खिलाड़ी आउट हो जाता है अथवा दूर गई गई वहाँ से फेंकने पर डंडे में लगने पर भी खिलाड़ी आउट हो जाता है अब देखो जो जो गुल्ली वो मारते हैं ना जो मारने वाला जो खिलाड़ी है वो लपक लेने से वो क्या होता है कि खिलाड़ी आउट हो जाता है और फिर वो जो गुल्ली है वहाँ से दूर फेंकने पर डंडे में लगने पर भी खिलाड़ी क्या हो जाता है आउट हो जाता है आउट न होने तक उछालने वाला खिलाड़ी अपना दाव जारी रखता है जब तक वो आउट नहीं होता है तब तक वो खिलाड़ी क्या करता है खेल खेल सकता है क्यों यह अपना किताब जारी रखता है तो इस तरह से आज हम ये जो हमारा जो पार्ट है आओ खेले इस पार्ट में इसी दो खेलों के बारे में आज हम क्या करने वाले जानकारी लेने वाले थे अब जो दूसरे जो दो खेल है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं जानकारी लेने वाले हैं हमारा जो हमारे जो नेक्स्ट खेल जो है वो कौन कौन से है कबड्डी और क्रिकेट ये जो खेल है इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगी ठीक है तो आज हम यही रुकते हैं थैंक यू